गोरखपुर जिले में सोमवार को 132 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 79 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 23, गोरखनाथ में 17, कोतवाली में 16, तिवारीपुर में 2, रामगढ़ ताल में 3, राजघाट में 1 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 17, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 50 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 18, खोराबार में 6, उरवा में 9, भटाट में 2, पाली में 2, खजनी में 2, गोला में 2, पिपराइच में 3, पिपरौली, बेलघाट, कौड़ीराम, सरदारनगर, सहजनवा और बांसगांव थाना क्षेत्र में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 22,247 हो गई है। इनमें 368 की मौत हो चुकी है। 21,242 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 637 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।